सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, उठ चुके हैं और अभी आपको दिखाता हूँ भाई, टाइल सूख चुकी है हमारी सारी। अभी तो स्पॉट डांस नहीं कर सकते हैं और मैंने शूज़ पहन लिया क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल से उस वक्त कहीं पे। और बाकी अभी हमारे घर पे कोई भी फिलहाल तो मिस्त्री नहीं आया, ना टाइल वाला आया, ना अपने भैया के कारपेंटर आए, कोई भी नहीं आया फिलहाल तो भाई। सो घर पर भी मैं और शीरो है और मेरी मम्मा है, मम्मा पता नहीं ऊपर है ऊपर वाले आंटी के पास, आई डोंट नो किधर है। सो फिलहाल मैं तो निकलता हूँ कहीं पे और उसके बाद आते हैं, खाएंगे पिएंगे, भूख लगी थी बट अभी कुछ बना ही नहीं हुआ। तो पनीर की सब्जी है, ये दूध वगैरह है, चलो देखते हैं यार जो भी है। अभी निकलते हैं, आके व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ कहीं, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ फिलहाल मैं। वैसे ये पी सकता हूँ मैं, या इसको पी लेते हैं ना, दूध पी लेते हैं थोड़ा। नीचे गिर गया, गाइस अभी तो ओ भाई बच गया। ये देखो जो मक्खी लड़ती है ना बहुत ही है। सो अभी दोपहर के 2 बज चुके और मैं अभी घर पहुंचा हूँ जस्ट काम से। यहीं पे मेरे दोस्त के ना यहाँ पे पार्टी थी कुछ, उसी के लिए थोड़ा बहुत काम करने गए थे। सो यहाँ पे देखते हैं काम कितना हो चुका है। अभी शीरो ये सोता रहता है यहाँ पे और इधर तो सरमाइका लग रहा है और न्यू आज यहाँ पे टाइल लग रही है हमारे इस साइड भाई। ये सारी नवी नवी, ये सारा फाइनल हो जाएगा आज, फिर लास्ट में बचेगी वो और किचन। और इधर कपबोर्ड की ही तैयारी चल रही है। भैया दिख भी नहीं रहे, देख लो कहाँ से लुके बैठे हैं। हाँ जी भैया, ओ किधर हो, आज हो जाएगा तैयार, आज बैक लग जाएगा जी भैया, आज दीवार में खड़े कर देंगे जी। बस ठीक है भैया, आप दिख नहीं रहे वैसे, लाइट जगाए यहाँ पे एक और। अच्छा नीचे फोन रखा है आपने, ठीक है भैया। ये तो लाइब्रेरी लग रही है, ऐसे लाइब्रेरी में होते हैं। अभी ये टेढ़ा रखा हुआ है ना, ये सीधा होगा भाई, वो चीज़ नीचे जाएगी इसकी, ये वाली, ये शू रैक है, ये सारा नीचे जाएगा, फिर पता चलेगा कब पूरा। और यहाँ पे इस दीवार पे लगेगा ये। सो चलिए गाइस अभी निकलते हैं, सामान चाहिए तो थोड़ा किचन के लिए हमारे, एक दो टेप है वो लेने चलते हैं और लगे हाथ जिम भी चला जाऊँगा। वैसे मैं नहा धोके जा रहा हूँ क्योंकि लेट आ जाऊँगा, अगर थोड़ा बहुत टाइम भी लगा ना तो उसको मैनेज कर लेंगे, नहा लिया हूँ अभी और टाइम कम लगेगा। सो पहले सामान लाते हैं, उसके बाद सीधा जिम निकल जाऊँगा। और आज हमारे भाई फेस्टिवल भी है गड़बड़े, सो वो भी मनाने हैं शाम को जिम के बाद। सो चलो निकलते हैं गाइस, पहुँच चुके हैं अपने नंदी प्लाईवुड, यहीं से जा रहा है सारा सामान जा रहा है भाई हमारा इंटीरियर का और जो भी किचन वगैरह कपबोर्ड वगैरह का। सो यहीं से लेने आए हैं आज भी, ऑब्वियसली यहीं से लेंगे। चलो गाइस ले लिया है सारा सामान, सारा तो नहीं बस यही था, एक टेप थी। सो अभी बुलेट उठाते हैं अपना और निकलते हैं सीधा घर, घर के बाद सीधा निकलेंगे भाई जिम। लेट हो चुका हूँ वायदा में मैं आज, क्योंकि मेरे को 4-6 बजे निकल जाता हूँ और 6 बजे में भी मैं घर पहुँचूँ आज, बाकी देखते हैं जितना टाइम बचा, सारी रात अपनी है। सो गाइस पहुँच चुके हैं घर और ये लो भैया आपकी टेप, यही है ना सेम, यही हुई थी मैच, सबसे ज़्यादा मैचिंग इसी की हुई थी भाई वहाँ पे। हाँ सेम ही है ना, ठीक। चलो अभी कपड़े चेंज करूँ पहले, फिर निकलते हैं सीधा जिम अपना। और कपड़े चेंज कर ले के लिए भी हमें भाई कहाँ कहाँ घुसना पड़ता है, वो स्ट्रगल आप देख सकते हैं मेरा, यहाँ से सीमेंट के ऊपर से और यहाँ से फिर इसको खोलना पड़ेगा अलमीरा को। कौन से पहने भाई पता नहीं चल रहा, कितने ज़्यादा उथल फुथल हुए पड़े हैं। ये वाली सैंडो पहनता हूँ आज मेरी। चलो चलो लेट्स गो गाइस, यहाँ से सीमेंट के ऊपर और सीधा वहाँ। गाइस एक सेकंड के लिए भी रेस्ट नहीं की घर पे भाई, जैसे ही आया वैसे ही सीधा निकल आया अभी जिम को, अभी जिम जा रहा हूँ बस सीधा। सो गाइस घर पहुंच चुका हूं मैं, सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपना काम। मेरे भाई के रूम का कपबोर्ड है जो रेडी हो चुका है मोस्ट प्रॉब्ली, कल इसको फिट कर देंगे फिर मेरे रूम में चले जाएंगे, क्योंकि मेरे रूम में भाई इसको फिनिश करवाऊंगा दिवाली से पहले। दिवाली से पहले पूरा काम तो नहीं होगा, रूम तो रूम और किचन फिनिश हो जाएगा, किचन हमारा कल खिड़कियाँ दरवाजे जो उतारी थी कल लग जाएंगी इस पर।
इसकी खिड़की दरवाजे सारे ये पड़े हैं, इन पे सरमाइका वगैरह लगाए उन्होंने। और आज दिखाता हूँ मैं अभी आपको कौन सा फेस्टिवल होता है जो हम आज सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन उसको बोलते हैं गड़बड़े हमारे यहाँ पे। दिखाऊंगा आपको, रुको, अभी रेडी हो रहा है जो मेरा उठाने का वो हो गया। सो ये होता है गाइस, ये होता है, देखो इसको ऐसे उठाते हैं रस्सी के, इसमें जल जाए एक दिया है ना, दिए में आग लगी हुई है और तेल डाला और दिया जलता है। जब हम बच्चे थे तो ये इसको ऐसे उठा के घूमते थे और घर घर में जाते थे पूरे यहाँ पे, जितने भी हमारे नेबर्स थे और मोस्ट प्रोबेबली गांव में जाते थे तो इसमें डालते थे भाई पैसे, वो कभी सिक्के कभी नोट ऐसे डालते थे। और आज के बिहार में ऐसे पूरे गाँव में मनाते हैं हमारे, तो भाई हमारे गाँव में नहीं, पंजाब में हरियाणा में कहीं कहीं तो मनाते हुए कहीं कहीं भाई पूरा किसी किसी को पता नहीं, बट इसको बोलते हैं गड़बड़े ये फेस्टिवल। हरियाणा में नहीं मनाते, मेरी मम्मी हरियाणा की है, हरियाणा में नहीं बनाते। सो यही होता है भाई, और आज के दिन बनता है हमारे घर पे सेवियाँ जो ये है, और अभी खाना नहीं होगा, ले भाई देख लो, बट गुड़ वाली है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो अभी हम बच्चे नहीं रहे तो इसको रख देते हैं उठा के यहीं पे, चलो मत्था टेक जाए, अभी आराम से खाते हैं अपना खाना। सो यही था आज का फेस्टिवल जिसको बोलते हैं गड़बड़े। अभी अपना खाना रेडी हो रहा है, ये है सोयाबीन प्रोटीन के लिए और चने की सब्जी है जो कि हमारे यहाँ पे लंगर में से आई है। आज मेरे दोस्त ने लंगर किया था और इतनी जलेबियाँ भी देके गया भाई, देखो कितनी सारी जलेबियाँ लेकर और लंगर में से सब्जी दे गया भाई। चलो अभी ये खाते हैं, और बताना भाई जहाँ जहाँ भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको गड़बड़े बोलते हैं और मनाते हैं तो वहाँ पर आपके क्या बोलते हैं, हमारे तो इसको गड़बड़े ही बोलते हैं। चलो खाना उठाते हैं अपना। सो गाइस सबसे पहले अपना खाना खाते हैं और फिर ऊपर चलते अपना गड़बड़ा लेके भाई, पैसे डलवा के लाएंगे वहाँ से, देखते हैं कितने पैसे डालते हैं भाई मेरी आंटी ऊपर वाली, और मैं भी उस साइड भी चला जाऊँ, बट मैं थका हुआ हूँ भाई, दूसरे घर में भी जा सकता हूँ। देखते हैं पहले खाना खा लें यार, हमारे देव का कितनी पान है देखो, तू भी दिखाओ सबसे पास, सबसे ज्यादा किसके पास है, तेरे पास है ना, ये ले रह गया कोई हाँ, तू रह गया, ले जा तू। सो गाइस ऐसे सेलिब्रेट करते हैं भाई, बच्चे अलग अलग घर में जाते हैं पूरे गांव से जैसे मैंने देखा, और वो पूरे यहां से 100-200 मीटर दूर है उनका घर, वहां से आए हुए थे। सो गांव में जाते हैं, वो उनको कोई सिक्के डालता है, कोई पैसे नोट देता है, कोई ऐसे देता है, ऐसे कोई कनक डालता है भाई, ऐसे ऐसे करते हैं भाई क्योंकि ये त्यौहार है, ये सभी मनाते हैं खुशी खुशी। शीरो ये देखो गालियाँ पड़ रही हैं ना, कितना शरीफ लग रहा है, कुछ कुछ उठा लेता है मुंह में भाई, कुछ कुछ उठा लेता है। नो 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 नो। सो गाइस अभी सोते हैं आराम से और आज का ब्लॉग करते हैं खत्म। और ऊपर नहीं जा पाया मैं ना अपनी दूसरी आंटी के पास जा पाया क्योंकि बच्चे काफी आ गए थे, तो सोचा फिर रहने दो, अभी देर अभी रात भी होगी थी काफी। सभी मिलते कल ब्लॉग के साथ, खुश रहो आबाद हो जाओ, बाय बाय। चीनी है अब यार।